देखो न्यू CS रैंक सीजन स्टार्ट हो चुका है एंड मैं इन टिप्स का यूज करके 12 का स्ट्रिक लगा चुका हूँ। लगभग जितना मैच खेला हूँ सभी को जीता हूँ। अगर आप ग्रैंड मास्टर या फिर हीरोइक जाना चाहते हो तो ये चीज इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हो। अगर आप इन टिप्स को ध्यान में रखकर गेम खेलोगे, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप जितने भी मैच खेलोगे लगभग सारे जीत पाओगे। नंबर 1, लर्न कवर फायर। सिंपल बात, जितना भी हो सके खुले में लड़ना बंद करो। देखो हम लोग गलती क्या करते हैं, हमेशा हीरो बनने के चक्कर में बिना कवर के एनिमी के साथ फाइट करते हैं। देखो उससे ज्यादा चांस होता है कि एनिमी आपको मार दे। सो सबसे बड़ा एंड नंबर 1 टिप, अगर आप किसी बंदे को मार रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि आपके पास कोई कवर है या फिर नहीं। हाँ, तभी अलग बात है अगर कोई बंदा आपके ऊपर रस कर रहा है, तभी तो उसको मारना ही पड़ेगा ना। नंबर 2 एंड एक बहुत छोटा टिप है पर इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस गलती को हम लोग करते रहते हैं इसलिए हम लोग बहुत बार हार जाते हैं एंड वो चीज ये है कि नॉक हुआ पड़ा एनिमी को जल्दी जितना जल्दी हो सके फिनिश करो। एंड यहाँ पर ये मत सोचो कि अरे उसको मैंने तो नहीं मारा है, मेरा टीममेट ने मारा है तो मैं उसका किल कंफर्म क्यों करूं। हम में से बहुत सारे बंदे ये गलती करते हैं। देखो हम जो बंदे को नॉक करते हैं उसको फिनिश कर देते हैं, पर अगर कोई और बंदा नॉक करता है तो उसको छोड़कर बाकी बंदों के तरफ भागते हैं किल के चक्कर में। देखो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि अभी के टाइम पर तुम्हें पता होगा एनिमी लोग कितना जल्दी अपना टीममेट को रिवाइव कर देते हैं दिमित्री एंड थीवा को लगाकर। तो जहां पर भी देखो बंदा नॉक है, सारे बंदे मिलकर कोशिश ये करो कि उसको पहले फिनिश कर दो। ओके, नंबर 3 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप रैंक करना चाहते हो, हीरोइक मास्टर जाना चाहते हो, देन ऐसे कैरेक्टर्स का यूज करके खेलो जो कि क्लास कोड के लिए बेस्ट हो। एंड ऐसे कैरेक्टर्स को लगाकर मत खेलो जिनका क्लास कोड में काम ही नहीं है। अगर किसको यूज नहीं करना है उनका नाम बताऊं, आपको यूज नहीं करना है लाइक लुकेटा हो गया, नोटोरा, कैरोलिन, पलोमा, क्ला, मिसा एंड जय जैसे कैरेक्टर्स को। एंड बाकी आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बट कोशिश ये करो कि फ्रिक्वेंटली बार बार अपना कैरेक्टर्स कॉम्बो को बदलो मत। जैसे कि अगर आप ओरियन को अच्छे से यूज कर पाते हो तो करो, अगर आप दिमित्री को अच्छे से यूज कर पाते हो तो करो, पर ऐसे मत करो कि एक मैच ओरियन को लगाकर खेल लिया, उसके बाद दूसरी मैच अब दिमित्री लगाकर खेल रहे हो, एंड अगर आप एक मैच हार गए तो नेक्स्ट मैच फिर उकोंग लेकर आ गए। ऐसे करोगे तो आपका हाथ कभी भी सेट नहीं हो पाएगा एंड हो सकता है आपका एक छोटा सा गलती आपका गेम हारने के पीछे का रीजन हो। ओके, नंबर 4, यूज लोड आउट प्रॉपरली। देखो लोड आउट एक बहुत बढ़िया चीज है जिसका अगर आप सही से फायदा उठा पाते हो देन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एडवांटेज में रहते हो। तो सिंपल बात, अगर आप अपना दोस्तों के साथ खेलते हो तो अपने दोस्तों को बोलो सभी अलग अलग लोड आउट लेकर आए जिससे सभी को फायदा मिलता है। जैसे कि सपोज कोई बंदा ड्रॉप का लोड आउट लेकर आता है, देन आपके टीम में जो भी बंदा गेम में ड्रॉप को लूट करेगा सभी बंदों को फ्री में 300 कॉइन मिलता है। एंड टीम के 4 बंदों से अगर कोई बंदा सीक्रेट क्लू लोड आउट लाता है देन उससे सभी को बेनिफिट मिलता है। देखो सीक्रेट क्लू लोड आउट लगाने से मेनली आप EP to HP कन्वर्टर ले सकते हो जिससे बहुत जल्द आपका एंड आपके सारे टीममेट का SP फुल होता रहेगा। देखो मेरे हिसाब से सभी के सभी लोड आउट बेस्ट है, सिर्फ बाउंटी टोकन लोड आउट को छोड़ के, एंड सिर्फ मैं आपको क्लास कोड के लिए बता रहा हूँ। ओके, नंबर 5, यूज बेस्ट पेट्स। देखो हमारे गेम के अंदर बहुत सारे पेट्स हैं जिनका एबिलिटी बढ़िया है, पर आपको ऐसे ही कोई पेट का यूज नहीं करना है। देखो ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा एंड ना ही आप कहीं से सुने भी होंगे। अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से पेट का यूज करो, उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा एंड आप गेम को जीत पाओगे। देखो सपोज तुम्हें ग्रेनेड करना आता है एंड तुम अलवारो कैरेक्टर यूज कर रहे हो तो उसके साथ आपको यूज करना है बिस्टोन पेट, क्योंकि बिस्टोन के एबिलिटी के मदद से आप बहुत दूर तक ग्रेनेड को फेंक सकते हो। लाइक इन दोनों का एबिलिटी एक दूसरों को मदद करेगा। एंड कुछ ऐसे ही अगर आप ओरियन को यूज कर रहे हो देन आपको EP चाहिए तो उसके लिए आप एक कैक्टस पेट का यूज कर सकते हो जो कि आपको EP देता है। एंड सिमिलर अगर आप क्लू कैरेक्टर का यूज करते हो तो उसके साथ एक हूट पेट आपको ज्यादा फायदा देगा। इस पेट के मदद से आप ज्यादा देर तक स्कैनिंग कर सकते हो एंड ज्यादा दूर तक बंदों को स्कैनिंग कर सकते हो। तो आपसे ऐसे ही ये सोचकर कोई भी पेट का यूज मत करो कि उसका एबिलिटी बढ़िया है, मैंने जो आपको तरीका बताया वैसे यूज करो, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके, नंबर 6, डोंट रश क्विकली। देखो हमेशा राउंड स्टार्ट होते ही बंदों के ऊपर आप पहले रस मत करो, उनको रस करने दो। सीधा अगर आप पहले से रस करोगे तो 70% ये चांस होता है कि आपको वो ग्रेनेड करके या फिर सारे मिलकर मार देंगे। ये एक बहुत छोटी बात है पर अक्सर हम लोग जोश में आकर गलती कर बैठते हैं एंड हमारे हाथ से गेम चला जाता है। ओके, नंबर 7, एंड यार ये चीज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है, प्ले विथ प्रॉपर स्क्वाड। देखो ये चीज आपको मानना ही पड़ेगा, अगर आप 4 दोस्त मिलकर खेलोगे देन आप ज्यादा बुआ निकाल सकते हो। अपना स्क्वाड के साथ खेलने का बहुत सारे फायदा है, जैसे कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बन पाता है
जैसे कि आप सारे मिलकर अलग अलग कैरेक्टर का कॉम्बो यूज कर सकते हो। लाइक एक बंदा स्नाइपर चलाएगा, एक बंदा ग्रेनेड करेगा एंड बाकी के दो बंदों में से एक रस करेगा एंड एक सपोर्टर का काम करेगा। इससे आपका एक खतरनाक टीम बन जाता है जिसको हरा पाना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर अगर आपके पास स्क्वाड नहीं है, आप रैंडम बंदों के साथ रैंक पुश करना चाहते हो, ये कोशिश करो कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बात करो। देखो मुझे पता है रैंडम बंदों के साथ बात करना मुश्किल होता है, वो बात सुनते ही नहीं है, वो आपके साथ में नहीं जाएंगे, पर आप तो उनके साथ जा सकते हो ना। इससे आप गेम जीतने का चांस और ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट नंबर 8, अवॉइड शॉर्ट रेंज फाइट। देखो राउंड का स्टार्ट होते ही शॉर्ट रेंज फाइट को इग्नोर करो। देखो जितना आप लॉन्ग रेंज से फाइट लोगे उतना आपका मरने का चांस कम हो जाता है, तो हमेशा कोशिश करो लॉन्ग रेंज पे रहते हुए एक दो बंदे को निपटा दो, देन उसके बाद घुसकर शॉर्ट रेंज पर फाइट करो। पर ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो बिल्कुल शॉर्ट रेंज पर फाइट लेना ही नहीं है। अगर बंदा आपके मुंह के सामने आ जाए तो तभी तो उसको मारना ही पड़ेगा ना। ओके, नंबर 9, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है एंड हम में से ज्यादातर बंदे गलती करते हैं एंड इसके वजह से जानबूझकर गेम को हारते हैं, एंड वो चीज है हेडशॉट। देखो नो डाउट हेडशॉट मार पाना बहुत अच्छी बात है, पर एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर आप सीरियस मैच खेल रहे हो एंड आपको गेम को जीतना है तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करो कि ड्रैग हेडशॉट मारो। उससे अगर बंदे को हेडशॉट नहीं भी लगता है तो वो कम से कम बॉडी शॉट में मर जाएगा। पर वन टैप हेडशॉट को साइड में थोड़ा रख दो, क्योंकि देखो वन टैप का हमेशा सियोरिटी नहीं होता है। अगर आपका वन टैप बंदे को नहीं लगा तो वो आपको बॉडी मारकर भी मार सकता है। तो सिंपल बात है, अगर आपको गेम को जीतना है तो बंदे को जैसे तैसे करके मारने का कोशिश करो, ना कि हेडशॉट की। एंड नंबर 10, क्विट योर ईगो। अगर आप अपना दिन का 10-15 मैच खेलकर जीत चुके हो, देन उसके बाद एक दो मैच हार जाते हो, तो ईगो में आकर बार बार मैच मत लगाओ, उससे आप ज्यादा हारोगे। थोड़ा टाइम के लिए अपना फोन को रख दो, बाहर जाके घूमो, बाहर का दुनिया देखो यार, गेम सब कुछ नहीं है। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और एक नए वीडियो में, पर अगर आपका हेडशॉट नहीं लगता है तो ये बीच वाली वीडियो को क्लिक करके देख लो, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये वीडियो आपका हेडशॉट लगने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। जय जगन्नाथ।